हर बार इनका कोई ना कोई एक नया थ्रिल होता है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती है और एक हमेशा एक नया चैलेंज होता है जिसको देखने का बहुत मजा आता है। टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ। 3 2 1 स्टार्ट। आमतौर पर ऐसे इंट्रोज नहीं करता, लेकिन मैं इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ जो पृथ्वी में 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है। 5 किलोमीटर से ज्यादा नीचे। जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन पर आएंगे, हम तो हो रहा हूँ ऐसे रहेंगे अगले 7 दिनों तक। कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा। सबसे पहली चीज, हमें वहाँ से दूर जाना होगा जहाँ से हम नीचे आए थे। क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बाढ़ की चपेट में आ सकती है, समुद्र की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है। इसीलिए हम बेस कैंप गुफा में आए। समंदर है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम कैंप के लिए फ्लैट जमीन ढूंढ रहे हैं। गुफा के अंदर आने पर हमें अचानक आने वाली बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर एक जगह मिली, जिसका मतलब है कि ये हमारे कैंप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट गलत शब्द होगा, मैं इसे ठीक जगह कहूँ। कैंप के लिए अच्छा है। हमने पहले दिन का बाकी समय अपनी सप्लाईज को जुटाने में लगा दिया। इनमें हर बैग का वजन 36 किलो है और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, हमने लगभग 4 घंटे बिताए। इसे पार करना बहुत मुश्किल है। गो! हम ये सब हमारे बेस कैंप तक ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लाइटें जला रखी हैं। हमारे सप्लाईज फाइनली हमारे बेस कैंप तक आ गए और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ कितना अंधेरा है। इसमें पूरा दिन लग गया और इसीलिए हमने कैंपिंग के लिए कम से कम तैयारी की है। हमने कुछ रस्सियां लटकाने के लिए होल्स किए। इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खींचो। लगता है ये बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी और हमारे सर्वाइवल गाइड की मदद से हमने बिस्तर लटका दिए। ये पतली सी रस्सी मेरे बिस्तर को संभालेगी। हाँ। रात का खाना खाया और जोरदार ठंड के लिए तैयार हो गए। सच यार, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मिस्टर बीसी है, इतनी इंटरेस्टिंग चैलेंज निकाल कहाँ से लेते हैं, समझ ना पाया। मेरा सर इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? वो पिछली वीडियो का जो चैलेंज किया था वो भी साथ लड़का ने मिस्टर बीसी की टीम नंबर है। कल हमें काफी कुछ एक्सप्लोर करना है। नहीं भाई, मैंने ओवरऑल सारी वीडियो देखी है, नया है। हां, मैं भी हुआ है सारी वीडियो में देखता हूं, लेकिन जो देखता हूं उसमें इस सर्कल में दो लगातार पानी टपक रहा है। हमने अपने पर एक टार्प डाला, लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है। मैं एक आइडिया दूं, चलो अपने कैंप को और बेहतर बनाते हैं। हमें इन टार्प्स को जोड़ देना चाहिए ताकि यहाँ सोते वक्त हम सूखे रहें। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मेरा बिस्तर यहाँ तक निकलता है। कोई मजाक है, मैं अभी अभी अपने बिस्तर से निकला था यार। और हमें उस समय समझ नहीं आया, लेकिन ये गड्ढा लगभग 40 फीट गहरा है। तो जब शॉन और मैंने सुपर टॉप पर काम करना शुरू किया, मैक और कार्ल ये देखने गए कि ये गड्ढा कितना खतरनाक है। वहाँ ऊपर मेरा बिस्तर देख सकते हो, मैं वही सोया था। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी मुश्किल होगा, इसीलिए इस मैप पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेस कहाँ है और वो कितनी दूर जा रहा है। ठीक है मैक, कल हो ना हो, ये पागलपन है। जब तक बॉयज एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे और शॉन को कैंप पर काम करना पड़ रहा है। बहुत यार, बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग हो गया इसके बाद। लेसन नंबर 1, किराए के स्लीपिंग बैग्स मत लेना। हमने स्लीपिंग बैग्स किराए पर क्यों लिए? हमने ये स्लीपिंग बैग्स खरीदे क्यों नहीं? हम टॉप्स को जोड़कर एक बड़ा टॉप बना रहे हैं। मेरी जिंदगी अब बस इस रस्सी के सहारे है। और इस बीच मैक और कार्ल अब भी गड्ढे में थे। ओह माय गॉड मैक। और आखिरकार वो कुछ समय बाद नीचे पहुंच गए। हमें इस वक्त कैंप पर काम करना चाहिए। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि इतने इंटरेस्टिंग चैलेंजेस हैं, इतने मुश्किल चैलेंजेस के समझ से बाहर है। हालांकि उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, पता कि चैलेंज में कुछ भी हो सकता है इंसान के लिए, मर भी सकता है, लेकिन फिर भी मतलब कि यार सच में तुम ये नदी पार कर पाओगे। लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये नदी पूरे गुफा में फैली हुई है, जिसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ समय बिताना पड़ेगा। लो आ गए, गेंदों की खाना बन चुका है। हाँ बन चुका है, सही कहा। एक नया घर है ना। ये नीचे से आते सांस कैसे नहीं होता होगा? क्या बात है, नहीं सांस कैसे नहीं होगा? क्योंकि वो लोग हैं वो दरअसल पानी का फ्लो ना होता है, तो फिर मैं उसे क्या कहूँ? पता नहीं, शायद बारिश या कुछ और। लेकिन ये बारिश नहीं, ऊपर पत्थर है। ऊपर देखो, ऊपर बादल नहीं पत्थर है, पत्थर का टॉयलेट।
देखा मैंने कहा था ना। और एक सूखी रात की नींद के बाद हमने जोल हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया ताकि हम गुफा के अंत तक पहुंच सके। केव 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 केव। चलो देखते हैं हम गुफा के कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे कि हम अभी इस विशाल गुफा के शुरुआत में हैं और हमारा गोल है इसे पूरी तरह से पार करना, ऑफ कोर्स बिना अपनी जान गवाए। ओह माय गॉश, ये तो बहुत गहरा है। तुमने अब तक कुछ नहीं देखा, हम गुफा की गहराई में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपने पेट अंदर कर लो, यहाँ मामला टाइट होने वाला है। मुझे नहीं लगता मैं इसमें फिट हो पाऊंगा। गुफा की खोज का दिलचस्प हिस्सा ये है कि आप पत्थरों की दरारों में मुश्किल से फिट हो पाते हो। ओह माय गॉड, यहाँ जो है बहुत कम है, मुश्किल है, बहुत टफ है। चैम्बर में होते हो, देख के तो यकीन नहीं आ रहा कि यार मतलब के दुनिया में इतने मतलब के डिस्कवर चीजें हैं जो लोग देख ही नहीं है। ये कितनी चमत्कार है, देखो तो ये कितना शानदार है। रोशनी इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं सकता। ओ नहीं, सोचने पर लग रहा है कि शायद हमने इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। रास्ता दिखाओ। और इसी तरह हम आगे बढ़े। संभल के, यहाँ पकड़ने के लिए एक हैंडल है इधर, और फिर तुम आसानी से अपने पैर को यहाँ रख सकते हो इस तरह। हाँ, परफेक्ट। जोल सबसे अच्छा केव गाइड, अब तक सब जिंदा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चीजें दिलचस्प हो जाती है। क्या ये क्या है? तो अब से वेट सूट पहनने होंगे, हम सब तैरने वाले हैं। कल मैक और काल इसके बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है। ओह माय गॉड, ये पागलपन है। वेट सूट ही एक तरीका है जिससे हाइपोथर्मिया। यार मैं भी कोई एग्रीमेंट पे करते हो, खुदा का खासा इतना नीचे जा रहे हैं, मजे से सच्ची तुम मर जाते हो समझे। गुफा के अंत तक पहुंचने के लिए हमें ये मतलब कि मरने वाली बात ही है, चैलेंज है। अगर आप बच गए तो बच के ना पर के बीच से गुजरना होगा। तो कैसे मुश्किल था मतलब के लिए पीछे जाएंगे। ठीक है मैं नदी में जा रहा हूं। ध्यान से लेफ्ट साइड की दीवारों को फॉलो करो, ये बहुत ठंडा है। एक बात रिवर्स आप लोगों को माननी पड़ेगी कि पैसा अर्न करना इट्स नॉट इजी, किसी के लिए इजी है किसी के लिए टफ, लेकिन ऐसे वीडियोस देखने के बाद आपको जज कर सकते हैं कि पैसा कमाना इजी है या मन करके आप लोग लालू बताइए। पत्थरों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन था। मैं काल, चलो, मुझे डर लग रहा है ब्रो। तुम कर सकते हो, जारी रखो। देखो ये कितना मुश्किल है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था, पर आगे आने वाली मुश्किलों के सामने ये कुछ नहीं। हमने कर दिया। हम 10% काम पूरा कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि ये बस एडवेंचर की अभी सिर्फ 10% हुआ है। पहुँचने के लिए अभी 2 किलोमीटर बाकी है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस गुफा में 24 घंटे बारिश होती रहती है, इसलिए मैं हमारे लिए एक आरामदायक जगह बना रहा हूँ ताकि हम सुखे रहें। मुझे जानना है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये सब कैसे बन पाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो गीले पत्थर में टीम के साथ आए हैं, जो मतलब कि यहाँ पे सोने की जगह बना सके, के उनके अंदर रास्ता निकालने के लिए गाइड करने साथ ले गए हैं। तो चैलेंज के लिए सर 3% है, म्यूचुअल भी साथ में 2 टीम मेंबर और साथ जो 5% है, जो दूसरे 2% है वो सिर्फ 4 टीम है। आप जाना कैसे है, गाइड करना चलना वहाँ कैसे। क्या ये मकड़ी का जाल है? पर यहाँ मकड़ी है ही नहीं। इसका मतलब वो हम पर हो सकती है, तुम्हारे ऊपर ऊपर है। मुझे इनसे नफरत है। ये गुफा एक मिस्टर बीस्ट वीडियो की तरह है, जितना आगे बढ़ते हो उतना मुश्किल होता है। सच कहूँ तो अगर मैं नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। और 3 घंटे बाद जोल के पास हमारे लिए बुरी खबर थी। पानी बहुत ऊंचा है और हमने बहुत समय बर्बाद किया है, हमें आज के लिए वापस लौटना होगा और कैंप में जाना होगा। मैं असहमत हूँ। तुम सेफ्टी एक्सपर्ट से असहमत नहीं हो सकते। फिर भी मैं असहमत हूँ। जो भी हो, हमें इनकी बात माननी होगी। हमने फिल्म बनाने और फ्लेयर के साथ खेलने में बहुत समय बर्बाद कर दिया, इस हद तक कि हमें अभी रिस्टार्ट करना होगा और इस मिशन को कल फिर से शुरू करना होगा। शॉन, हम वापस आ गए। जब हम नहीं थे तब तुमने क्या किया? उम्मीद है कि अब कोई गीला नहीं होगा। मुझे नहीं पता था तुमने लाइट्स पैक किया। हाँ, ये शानदार है ना। अफसोस है कि आज हम सिर्फ 20% गुफा ही पार कर पाए, लेकिन भरोसा रखना कि हम किसी ना किसी तरह आखिर तक जरूर पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी नहीं होगा। हम 4th दिन आराम कर सकते हैं और फिर 5वें दिन गुफा के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहाँ क्या है। 3रा दिन बहुत मजेदार था, मैं आपसे कल मिलता हूँ। और बुरी रात के बाद अगली सुबह हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी जान बच सकती है। हाँ, शावर लेना सच में शानदार होगा। मैंने शावर नहीं लिया है 3-4 दिनों से। जैसा कि आप सोच सकते हैं, गुफा के अंदर नहाना आसान नहीं है। नदी के तल तक सुरक्षित पहुँचने के लिए हमें उस जगह तक हाइक करना पड़ा जहाँ से हमने शुरू किया था। ओह माय गॉड, मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मेरा सर पूरी तरह से जम गया है। हम अपना सिर सुखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। रुको, ये एक्चुअली काम कर रहा है। हाँ, ये काम कर रहा है। जब तुम्हारे पास ड्रोन हो तो हेयर ड्रायर की क्या जरूरत। और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे। ये क्या है जोल? ये गुफा का मैप है।
पिछली बार हमें तेज बहाव की वजह से रुकना पड़ा था, लेकिन बारिश धीमी हो गई है, इसलिए हमें कल गुफा के अंत तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। पहले बड़े चट्टानों से कूदना होगा और खुरदरी पत्थरों से बचना होगा, और अगर हम सब कुछ पार कर पाए तो फाइनली हम खूबसूरत ग्लो वॉर्म चेंबर तक पहुँच पाएंगे। हमें मत बताना कि सरप्राइज हो गया। लगता है हम ये कर पाएंगे। वो ये तो हम नहीं, ये सब अभी मत सोचो, हम कर सकते हैं। सब लोग चीयर्स। ओ जोल अपना पहला फीस्टिबल स्मोर्स खाने वाला है। ओके जोल, बी ऑनेस्ट, ये अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। हमने चॉकलेट को पहले क्यों नहीं निकाला? अब ये 10 गुना ज्यादा मजेदार हो गया। सच में अगर आपने फीस्टिबल्स के साथ स्मोर्स नहीं ट्राई किए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कल हम पूरी गुफा की खोज करने वाले हैं। कल मिलते हैं। तो हमने जितना हो सके सोने की कोशिश की और कल के एडवेंचर गुफा के अंत तक जाने की तैयारी की। हम अपने जीवन के सबसे खतरनाक जर्नी पर जा रहे हैं। तीसरे दिन के एक्सपीरियंस और फिल्मिंग पर कम ध्यान देने की वजह से हम सब तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे। ये पानी ठंडा है। बिल्कुल कल की तरह। शाबाश। और अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए हम जोल के साथ एक और सर्वाइवल एक्सपर्ट को भी लाए। तीसरे दिन हमें यहीं पर रुकना पड़ा था। अब हम कैसा कर रहे हैं? हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमारे पीछे पूरी तरह से अंधेरा है, हम कहाँ जाएं? ये जगह नैरो होती जा रही है, धारा भी तेज है, तो हम दीवारों का सहारा लेकर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Oh God. हाँ, पहली चट्टान पर कूदो। कोने के आसपास भी कुछ अच्छी चट्टाने हैं जिनका सहारा ले सकते हो। यहाँ कितना अंधेरा है। अब कोई बेस नहीं है। मेरे पैर जमीन से बहुत ऊपर हैं। क्योंकि हम जमीन तक नहीं पहुँच पा रहे, इसका मतलब ये है कि अगर हमने अभी जाने दिया ये तो सच में ये कैसे करूं? तुम्हें खुद को वहाँ पर लाना होगा और फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं अंदर जाऊं? हाँ, होल में। डे बाय डे चैलेंज मुश्किल ही होता जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। ये आज तक का सबसे खतरनाक चैलेंज होगा। हम गुफा के पहले से कहीं ज्यादा गहराई में हैं और अब हम हमारे पहले ऑब्स्टिकल के करीब पहुँचने वाले हैं। असल में पानी बार बार घूम रहा है, तो अगर तुम इसमें गिरते हो तो ये तुम्हें नीचे ले जाएगा और वहीं रोकेगा। अगर हम गिर गए तो मर जाएंगे। हाँ ओके, तो मौत का खतरा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा। बहुत अच्छे। यहाँ पर अब मैं अपना पैर यहाँ नहीं किया जाए। केविंग जितना सोचा उससे ज्यादा मुश्किल। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह नदी कितनी ताकतवर है, इसने पूरा गुफा बनाया है। और हम गुफा जितने ताकतवर नहीं है, तो मुश्किल से इंसान जितना ताकतवर नहीं सकते। हमारी खुशकिस्मती है कि इस एडवेंचर को काल लीड नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास जोल है जो अवेंजर्स से कम नहीं। और ये साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है, उसने हम पर फ्लेक्स करने के लिए एक चट्टान से कूद कर दिखाया। ओह माय गॉड, तुम पागल हो। कौन है जो थोड़ा पागल है? कोई तो है जो करना चाहता होगा। मैं पागल हूँ। ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है। क्या बोल रहे हो, मैं अभी कर रहा हूँ दोस्त। चलो जो, गुड लक मैक। जिमी ने मुझसे अब तक जो भी करवाया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। 3, 2, 1 क्या तुम ये करोगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं वरना हम आखिर तक नहीं पहुँचेंगे। हमेशा हम पानी के बहाव के उल्टा ही क्यों जाते हैं? मैं शायद इसमें बह जाऊं, मुझे शायद हार ही मान लेनी चाहिए। पानी के नीचे नुकीले पत्थर हैं, तुम उन्हें देख नहीं सकते तो संभल कर चलना। ओह माय गॉड, पानी और गहरा हो रहा है। मैं नहीं कर सकता, मुझे पैर किसी चीज पर रखने होंगे। और अगर नुकीले पत्थर काफी नहीं थे तो हमारे हर कदम के साथ। ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये डरावना है। ये गुफा और भी अंधेरी, टाइट और खतरनाक हो गई, जिससे हमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या हम सच में फिनिश लाइन तक पहुंच पाएंगे। मैं थक गया। ये गुफा अब और भी मुश्किल होने वाला है और मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। जोल, मुझे तुम्हारा बैग देना। थैंक यू। पता है तुम्हारे बैग में अब तक क्या था? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ब्रांड न्यू मिस्टर बीस्ट लैब स्वर्म। मैं ईमानदारी से कहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने पिछले 5 घंटों में झेला है, मैं इस वक्त इसके बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। तो 1 महीने बाद जब हमने ये शूट किया, तब मैंने पूरा गुफा का सेट बनाया, अपना फ्यूचर जिमी का नेम टैग पहना और फिर कहा, हे, मैं फ्यूचर जिमी और मैं आपको हमारे नए टॉयज के बारे में बताऊंगा, मिस्टर बीस्ट लैब स्वर्म। ये कलेक्टेबल टॉयज है जिसमें 119 से ज्यादा यूनिक कैरेक्टर्स है जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कूल बात है कि पता करने के लिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर मिला है, आप इस ट्यूब में पानी डालते हो, इसे हिलाते हो और स्वॉर्म्स आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। और प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए हमने इस स्वॉर्म ट्यूब का एक बड़ा वर्जन भी बनाया है। इस ट्यूब को पानी से भर दिया। अब ये पानी से भर गया है तो मैक इस ट्यूब को शेक करेगा।
मुझे लगता है इतना काफी होगा ना, मुझे लगता है इतना काफी है। फिर आप पानी को बाहर निकालोगे, जो लिए तुम करो, और फिर पानी से निकलेंगे वो दो स्वर्म्स जो आपको मिले हैं। ये सबसे रेयर वाला है, हाइपर क्रो। मैंने ये सिर्फ 1000 बनाए हैं, जो ये तुम रख सकते हो। और ये तुम्हारा काल को क्या मिलेगा? मेरे पास सिर्फ 2 हैं। मैंने ये एक्शन फिगर्स भी बनाए हैं जो इन ब्रीफकेसेस में आते हैं, और एक म्यूटेटर जो स्वर्म्स की तरह ही खरीदने पर बहुत ही शानदार तरीके से रिवील होता है। ये मुझे कहां मिलेंगे? काफी अच्छा सवाल है। मिस्टर बीस्ट के लैब टॉयज अब दुनिया भर में हर जगह अवेलेबल हैं। ये रिलीज हो चुके गुफा में, और भी कठिन सफर के बाद हम आखिरकार ग्लोवर्म चेंबर तक पहुँच ही गए। यार हमारी मेहनत वेस्ट ना हो। दुनिया भर में गया, मेरी दुबई और जो सोफिया के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से। तो ये धरती जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो रोशनी आप यहां देख रहे हैं पहुंच गई यार, क्या बायोल्यूमिनेसेंट ग्लोवर्म से बनती है। ये तो मिल्की वे गैलेक्सी जैसा लग रहा है। वाओ बहुत ही खूबसूरत है यार, ये देखो आप लोग, यार रिवर्स ये देखो आप लोग, बहुत ही कमाल खूबसूरत चीज है। दुनिया के जो करिश्मे है वो दुनिया में वाकई में पाए जाते हैं। क्योंकि हमें बेस कैंप तक वापस जाना था। छह शुरू होने वाला है, वो लोग वापस नहीं आए और मैं थक गया हूँ। मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगा, मैं परेशान हूँ क्योंकि काफी देर हो गई। वापसी का सफर बहुत आसान है क्योंकि हम बस धारा के साथ बह रहे हैं। क्योंकि आप पहले ही सफर देख चुके हैं, हम वापसी का सफर जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन सच में ये पूरा ट्रिप बहुत लंबा चला। वापस पहुंचने से पहले हमारा छठा दिन शुरू हो गया था। फाइनली हम आ गए, चलो चलते हैं। हमारे पास आग के पास बैठकर खुद को गर्म करने और कुछ खाना खाने की ही एनर्जी बची थी। ये बहुत ही रोमांचक आज ही, आज छठा दिन। इतनी लंबी और थका देने वाली ट्रिप के बाद भी मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नींद आ भी कैसे लगती है? मैंने 7 दिन एकांत में बिताए, 7 दिन जिंदा दफन होकर बिताए, और 7 दिन एक राफ्ट पर। और सच कहूं तो मुझे लगता है ये उन सबसे ज्यादा मुश्किल है। तुम हमेशा गीले और ठंडे रहते हो, मेरा शरीर बार बार इन कठोर पत्थरों से टकरा रहा है और दर्द हो रहा है। 90% समय ये गुफा बस खतरनाक ही होती है, लेकिन सच कहूं तो जिमी, यो, कॉल, मुझे देख सकते हो? ये दुनिया की सबसे तेज टॉर्च है। इस गुफा में कुछ मजेदार पल भी थे। 300 फीट नीचे रैपिड्स को पार करना, हम सबका मिलकर बिस्तरों में हंसना, सारी मुश्किलें इसके लायक जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हो। चलो वेल जैसी आवाजें निकालें। ये गीली ठंडी पत्थरों से भरी हुई मुश्किल गुफा हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है। हम तब तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ। वापस चलो यहाँ से निकलते हैं। और गुफा के शुरुआत में वापस पहुँचने के बाद बाहर की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है। हमारे पास जोल के लिए एक और सरप्राइज था। जाने से पहले जोल, तुम्हें थैंक यू कहने के लिए हम तुम्हें 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स दे रहे हैं। तो ये हर इंसान के लिए 10,000 है जिन्हें तुमने जिंदा रखा। ओह गॉश, थैंक यू सो मच जिमी। चलो चलते हैं जोल। अब ये सब निपटा लिया है तो चलो चलते हैं। 7 लंबे दिनों के बाद तो फाइनली आप लोगों ने मिस्टर बीस्ट का न्यू 7 डेज इन केवा चैनल चैलेंज आपने वीडियो देख ही लिया हमारे साथ। तो आपने मिस्टर बीस्ट की आज तक जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, जितनी भी मतलब उन्होंने आज तक वीडियोस अपलोड की हैं, चैलेंजेस लोगों के लिए मुश्किल से मुश्किल चैलेंज लेके आए हैं। लेकिन जो इस बार उन्होंने ये काम किया वो खुद अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि जो मेरा आज तक का सबसे मुश्किल और टफ चैलेंज था वो मेरे लिए यही था कि मैं किस तरह से 7 डेज इसके अंदर सर्वाइव किया है, तो क्या मतलब मुश्किल फेसेस की हैं, उसके बाद जाकर जो हमें एक अचीवमेंट पॉइंट था वो उसको अचीव किया, फिर वापस उन्हीं रस्तों से होते हुए वापस आया। तो ज़ियाद भाई मुझे तो ये उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा सर्दी थी, बहुत ज्यादा जिस्म दुख रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे दोस्त हो मेरे साथ के जिसकी वजह से सही बात है, नाइट रातों को हम हंसे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा मजाक किया है, दोस्त है, अच्छे टीम मेंबर्स हैं, तो वो मूवमेंट हमारे लिए उल्टा थका देने के बजाय अच्छे हो जाते हैं, जिसको बिल्कुल सही बात है, अच्छे साथी साथ हो तो एक एनर्जी साथ मिलती रहती है, वही मूवमेंट्स हमारे एक गुड इम्प्रूवमेंट लाते हैं, बजाय हम उसको अपने आप को वीक प्रूव करते हुए उसको अपने मूवमेंट को खराब करें। तो बहुत ही यार हमने साथ साथ ही डिस्कस किया है वीडियो के अंदर, जो बातें डिस्कस करने वाली थी
मतलब कि आप ये देखें कि एक क्रिएटर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो मिस्टर बीस्ट अभी इस टाइम जो 301 आई थिंक मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट इनको फेस करते हुए 13 साल इनको लगे, जाहिर सी बात अगर आप एक क्रिएटर बनते हैं तो आपका क्रिएटिव माइंड होता है, क्रिएटर आपकी थिंग्स होती हैं, कैसे आप लोग मतलब कि इतना सोचते हो उसको बाद में डिस्कवर करते हो, डिस्कवर करने के बाद उस पर एक प्रॉपर एक टीम वर्क काम होता है आपके काम करने के लिए। कम से कम अगर 7 दिन की वीडियोज ये है, मुझे लगता है कम से कम 15 दिन की वीडियोज ऐसे ही होगी जो जाहिर सी बात पहले गार्मा ने शूट किया, देखा है, परखा है, उसके बाद जाकर वहां पर उन्होंने इसको मतलब किया, अपलोड किया। 7 दिन तो सिर्फ ये लगे हैं आप एडिटिंग में, अपलोडिंग में, मतलब प्रॉपर एक टीम वर्क का काम होता है जो कि एक हर एक नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तो एक क्रिएटर माइंड के साथ एक क्रिएटर पर्सन होना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर उन्होंने सही सी बात है, हमारे लिए इतनी मुश्किल चैलेंजेस हैं, इतनी मुश्किल मतलब कि हमें देखने में इतनी मतलब कि टफ चीजें लग रही थी, जो बहुत ज्यादा मजा भी है। अगर आप इंटरेस्टिंग चीजें अपनी लाइफ में देखते हो तो आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करती ही करती है, साथ उसको बहुत ही मतलब की जाहिर सी बात है वो जमीन कितना नीचे है, मतलब कि वो एक सिर्फ रोशनी है, रोशनी भी नहीं थी वही मतलब बहुत यार मेरे लिए तो एक बहुत नई और इंटरेस्टिंग चीज देखा जाए तो मनी भाई ये भी होता है कि नेचर को देखने का भी एक मजा आ जाए। जाहिर सी बात है यार भाई, अगर हम हमारे लिए आज पैसा कमाना खासतौर पर पाकिस्तान में एक मतलब के इस माहौल में इस मतलब के मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप लोग अगर पाकिस्तान के लोग हमारी वीडियोस देखते हैं वो ज्यादा इस चीज को बेहतर मतलब कि जज कर सकते हैं कि क्या इस समय पाकिस्तान के क्या कंडीशन है, तो क्या इनके मामला आते हैं। तो मतलब उस चीज को देखते हुए ये मतलब कि मिस्टर बीस्ट किस तरह की वीडियोस बनाना और दिखाना मोटिवेशन के लिए कि जाहिर सी बात है मोटिवेशन है कि किस तरह से पैसा कमाया जाता है, किस तरह से क्रिएटिव माइंड बनाया जाता है। इनकी तरफ देख के मैंने मोस्टली ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं कि जैसे मिस्टर बीस्ट चैलेंज देते हैं लोगों को, लोगों ने मतलब कि इनके टॉपिक उठा के आगे उसको अपने मतलब के रिहाइश के मुताबिक अपने मुल्क के मुताबिक लोगों को चैलेंज दे के उसके तो अपनी वीडियोस बनाते हैं। आपको हमारी वीडियो किस तरह लगी है, या आपको मतलब मिस्टर बीस्ट की कौन सी बात चीज इंटरेस्टिंग लगी है, या क्यों चीज आपको मोटिवेशन आपके लिए बढ़िया, हमें लाइक और कमेंट करके लाजमी बता सकते हैं, और आपको एडवाइस देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप लोग इस हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग हमारी वीडियो लगी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।